दुमका से भाजपा की सीता सोरेन, झामुमो के नरीन सोरेन का नामांकन, गोड्डा से भाजपा के निशिकांत दुबे और राजमहल से ताला मरांडी तथा झामुमो के विजय हंसदा ने किया नामांकन। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने खूंटी में जनसभा को किया संबोधित। दुमका और गोड्डा में राजनाथ सिंह ने किया चुनाव प्रचार। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका का किया निष्पादन। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर पर पूर्व सीएम को हाईकोर्ट का नोटिस। और राज्यभर में मौसम के बदले मिजाज से पारा लुढ़का। मौसम खुशनुमा होने से जनमानस को मिली राहत। 13 मई से पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी स्कूलों में कक्षाएं, आदेश जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संथाल परगना की 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार नरीन सोरेन ने नामांकन किया। राजमहल से भाजपा के ताला मरांडी और झामुमो के विजय कुमार हांसदा ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। गोड्डा संसदीय चुनाव के लिए निशिकांत दुबे ने नामांकन किया। भाजपा के स्टार प्रचारक सह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुमका और गोड्डा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। वहीं नामांकन के बहाने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत एनडी गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ। शुक्रवार का दिन संथाल के चुनावी सभा में नामांकन के लिहाज से काफी सरगर्मी भरा रहा। दुमका संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री लुईस मरांडी भी मौजूद रही। नामांकन को लेकर दुमका के स्थानीय कॉलेज ग्राउंड में भाजपा द्वारा जनसभा आयोजित की गई, जिसे पार्टी के स्टार प्रचारक सह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विकास को नया आयाम देने के लिए भाजपा को जिताने की अपील की। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं देश बनाने के लिए, राजनीति करते हैं समाज बनाने के लिए, हम राजनीति करते हैं। वहीं दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार नरीन सोरेन ने भी आज नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कृषि मंत्री बादल और मंत्री बसंत सोरेन भी उनके साथ थे। नामांकन के बहाने दुमका में एनडीए गठबंधन के नेताओं का भी जुटान हुआ। झामुमो उम्मीदवार नरीन सोरेन के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी नेता सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा और विकास के लिए एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का आग्रह किया। आदिवासी को, अपना मूलवासी को, अपना दलित को, अपना अल्पसंख्यक गरीब को हमने अपना आवाज देंगे, अपना बल पर। दो कमरा के जगह आप लोग को 3 कमरा दिया जा रहा है, ये अपना आवाज, ये आपकी सरकार हेमंत बाबू ने सोच के शुरुआत किया है। इधर गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के मद्देनजर गोड्डा में पार्टी द्वारा रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा स्टार प्रचारक संरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। श्री सिंह ने निशिकांत दुबे की बतौर सांसद सक्रियता और संवेदनशीलता की प्रशंसा की। मुद्दा बचा नहीं, तब कहते आएंगे भाजपा वाले, मोदी जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर। भाजपा स्टार प्रचारक सह रक्षा मंत्री ने देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इधर साहिबगंज जिला मुख्यालय में राजमहल लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी ताला मरांडी ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित अन्य नेता रहे मौजूद। लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के और पूरे देश के अंदर 400 से
ज्यादा सीटें जीत करके तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधान सेवक चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। बाद में साहिबगंज के स्थानीय सिद्धू कानू स्टेडियम में पार्टी द्वारा नामांकन जनसभा आयोजित कर ताकत दिखाई गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी को वोट देने की अपील की, साथ ही विपक्षी एनडी गठबंधन पर हमला बोला। एक एक वोट कमल निशान पर जाना चाहिए, यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और कमल फूल छाप में वोट लेकर के 1 जून को आप यहां से ताला मरांडी को आप जिताएंगे। राजभर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार विजय कुमार हांसदा ने भी आज नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी नेता स्टीफन मरांडी और अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन को लेकर एनडी गठबंधन के नेताओं का जुटान भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने हुंकार भरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार सातवें चरण के चुनाव के सिलसिले में प्रत्याशी 14 मई तक नामांकन कर सकते हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खूंटी के कचहरी मैदान में पार्टी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। खूंटी के स्थानीय कचहरी मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का आरोप लगाया। श्री शाह ने कहा कि आज जिस मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, उसका गठन भी देश में पहली बार तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किया गया था। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी ने हमारे झारखंड को बनाने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि जनजातीय क्रांतिकारियों की याद में देश भर में 200 करोड़ रुपए की लागत से संग्रहालय बनाए गए हैं, ताकि उनके योगदान को लोग जान सके। भाजपा ने जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाली ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का मान बढ़ाया है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि 6 दशक सत्ता में रहने के बावजूद उसने जनजातीय समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात क्यों नहीं सोची। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पक्ष में वोटरों से समर्थन मांगते हुए श्री शाह ने कहा कि अटल जी ने झारखंड को बनाने का काम किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सवार रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में झारखंड समेत कई राज्य नक्सलवाद के काले साये में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त कर इन क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त कर विकास की गंगा बहाने की शुरुआत करी है। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विपक्ष प्रलोभन के बल पर चुनाव जीतना चाहता है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बनाना चाहते हैं। श्री मुंडा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए खूंटी संसदीय क्षेत्र के तीव्र विकास और अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए मतदाताओं से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। घपले और घोटाले से अर्जित धन के बल पर चुनाव में जीत अर्जित करना चाहता है तो एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश बनाना चाहता है, देश बनाना चाहता है। खूंटी के स्थानीय कचहरी मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित महाविजय संकल्प सभा में पार्टी के वयोवृद्ध नेता पद्मभूषण कड़िया मुंडा, स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत कई नेता और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित थे। खूंटी से ज्योत्सना के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए झारखंड समेत देशभर में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चतरा के सिमरिया में पार्टी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुमला जिला अंतर्गत छतरपुर बगीचा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार समीर उरांव को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। करने के
के लिए कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए जनता को भरमाने का काम करते हैं। जबकि संविधान को 80 बार इन्होंने ही संशोधित किया, उनके साथ खिलवाड़ किया, और भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं न संविधान को खतरा है न किसी का आरक्षण खत्म होगा, ये लोग मुद्दा विहीन हो गए, इसलिए भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड अंतर्गत गताडी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में विकास के अनेक कार्य हुए और विदेशों में भी भारत का सम्मान बढ़ा है। श्री साय ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। में भरमाने का काम कर रहे हैं जनता को, कभी बोलते हैं कि संविधान खतरे में हो जाएगा, कभी आरक्षण खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। और ये लोग कुछ भी बोलें, जनता विश्वास करने वाली नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की और दुर्गति होने वाली। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलामू से पार्टी प्रत्याशी ममता भुइयां के समर्थन में गढ़वा के स्थानीय रंका हाईस्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एनडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। तो स्वीकार करके इनको प्रत्याशी बनाया है, इनके ऊपर लालू जी का आशीर्वाद है, हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद है, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है, इसलिए आज सब महान जनता से यही अपील है कि एकजुट हो जाइए और हमारा गठबंधन का सरकार बनेगा, लालू जी का, राहुल जी का, हेमंत जी का केंद्र में, तो 15 अगस्त से पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने हाल ही में ईडी द्वारा नकदी बरामदगी मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बरामद रुपए किसके हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। सबका जांच, हम कहे बोले आपको ईडी से इतना है पूरा, इन लोगों का कहां कहां पैसा, पूरा जांच होना चाहिए। हमारा जैसा आदमी को खाली नंगा करा दिया, कहे ने जांच करता, हमको क्या मिला, तो इनका तो जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद कार्रवाई निश्चित होना चाहिए, कोई भी होगा। ये राज का बचाने का सवाल है, ये राज का स्थिति बड़ा ही मने की संक्रमण काल से गुजर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सिमडेगा जिले में रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की भी सहभागिता दिख रही है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमडेगा जिले में 13 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के सैमपुर में विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया। उम्र 18 पूरी है, पूरी है, पूरी है, पूरी है, वोट देना जरूरी है। इस दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि देश के नव निर्माण में मतदान का सबसे बड़ा महत्व है, अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कर भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। आज हमने रैली निकलाई है और पूरे गांव में घूम घूम के बताया है कि 13 तारीख को वोट दे और देश को मजबूत करे। आज हम लोगों ने रैली निकाली और हमारा ये कहना है कि 13 मई को सबको वोट दे। हमारे द्वारा ही सही उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है, इसलिए हमें सोच समझ के सही उम्मीदवार को वोट देना चाहिए ताकि हमारे भविष्य में अच्छा काम हो सके। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने भी मतदाताओं को दायित्व बोध कराया और मजबूत लोकतंत्र के लिए सबसे मतदान करने की अपील की। इन लोकसभा के चुनाव में जो मतदान की संख्या में कमी आई है, प्रतिशत में कमी आई है, उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए हम बच्चों के साथ यानी गाँव का भ्रमण किए हैं और कह रहे हैं कि लोग 13 मई को अपने अधिकार का परिचय दें और मतदान करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार का अवसर और इसकी शक्ति अनमोल है। एक सही मत से देश को नई दिशा मिल सकती है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। खूंटी में भी मतदाता जागरूकता को लेकर अनेक पहल किए जा रहे हैं। जिले के रनिया प्रखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है।
इधर स्वीप के तहत गिरिडीह में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा रोज नए नए उपाय किए जा रहे हैं। व्यापक जन जागरूकता पैदा करने के लिए जिले में 13 से 18 मई तक मतदान महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह में लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापक जन जागरूकता पैदा करने के लिए 13 से 18 मई तक मतदान महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह के अपर समाहर्ता विजय कुमार सिंह बिरुआ और जिला जनसंपर्क अधिकारी अंजना भारती ने बैठक कर इसकी सफलता को लेकर मंथन किया। आज जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं, चुनाव का पर्व आया है, तो बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इसको मनाइए। 20 और 25 मई को अपने घरों से निकलकर जो भी एलिजिबल वोटर है अपने बूथ पर जाकर मतदान करें और सभी को प्रेरित करें। हम लोग मतदाता को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी को उद्देश्य को देखे आज हम लोग सभी को निमंत्रण पत्र भी दिए हैं और सभी से हम ये अपील भी कर रहे हैं कि 20 मई और 25 मई को हम लोग को निकल के अपने साथ और लोगों को भी मतदाता करने के लिए प्रेरित करें। गिरिडीह के ग्रामीण शहरी इलाकों के मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक, कैंडल मार्च, रंगोली प्रतियोगिता और चित्र लेखन से लेकर मैं भी एम्बेसडर के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने शादी की तरह कार्ड छपवा कर लोगों के बीच वितरण शुरू कराया है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान को प्रेरित हों। अपील करता हूं कि आने वाले 20 मई और 25 मई को बढ़ चढ़कर मतदान करें और भारत के इस महान लोकतांत्रिक पर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपके हर एक वोट से भारत के इस लोकतंत्र को नई मजबूती मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं 25 तारीख को हम लोग को वोट देना है ताकि हम लोग आने वाले 5 साल के लिए वो सरकार चुने। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना मतदान का सही उपयोग करें। उम्मीद की जा सकती है कि इन प्रयासों से इस बार गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में वोटर घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचेंगे और रिकॉर्ड वोटिंग का कीर्तिमान बनेगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। छठे चरण के चुनाव के लिए रांची लोकसभा सीट के 27 उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। जिला निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रांची संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन की कार्यवाही पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नाम वापसी की मियाद खत्म होने के बाद रांची लोकसभा सीट पर 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 33 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चे भरे थे। कुल 70 की संख्या में नामांकन पर्चे यहाँ निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हुए थे और स्क्रूटनी करने के बाद 33 अभ्यर्थियों में से 27 अभ्यर्थी जिनका की नामांकन सही पाया गया था। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2443 नए बैलेट यूनिट का पूरक रेंडमाइजेशन भी उम्मीदवारों की उपस्थिति में संपादित करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि चौथे चरण के मतदान में खूंटी एवं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रांची जिला के विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी अवस्थित डिस्पैच सेंटर से 12 मई को किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कोषांगों द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बैलेट यूनिट के रूप में 2443 नए बैलेट यूनिट का रैंडमाइजेशन भी सभी अभ्यर्थियों के मध्य NIC में संपादित करा दिया गया है। फोर्थ फेज के चुनाव के लिए डिस्पैच का कार्यक्रम 12 तारीख को मोराबादी मैदान से तय किया गया है। इस मौके पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए रांची पुलिस द्वारा शराब, ड्रग्स एवं अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। SSP ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 117 FIR दर्ज किए गए हैं और 15 करोड़ से ज्यादा मूल्य की जब्ती की गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव में आवश्यकता अनुसार पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। रांची पुलिस ने आचार संहिता लागू होने के बाद 117 FIR की और कुल जो सीजर वैल्यू है वो करीब 15 करोड़ से भी ज्यादा है जो सीजर वैल्यू है। इसके अलावा हम लोगों ने शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए वैसे आदमी जो शांति फैला सकते हैं उनको चिन्हित करके 1500 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन SDO के द्वारा कराया है। रांची में संसदीय चुनाव के सिलसिले में 25 मई को मतदान होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक रांची लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच सीधी टक्कर होने की
प्रबल संभावना है। ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं के शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान पर प्रसन्नता जताई। उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई। मुझे विश्वास है कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन के लक्ष्य को तो आप सब हासिल करते ही रहेंगे, साथ ही साथ भारत में स्वास्थ्य सेवा के प्रतिमानों को विश्व स्तरीय बनाने के प्रयासों को आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधियां प्राप्त करने वाले लगभग 12,400 विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्र से लगभग 750 अधिक है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी छात्राओं और छात्रों की संख्या में लगभग 35 का अंतर है, यानी छात्राओं की संख्या अधिक है। न्यायपालिका से दिल्ली के मुख्यमंत्री सह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शीर्ष अदालत से आज भी कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए निष्पादित कर दिया। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम मामले में ईडी ने हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद और कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार को आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने इन तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी। अदालत ने इनके रिमांड पर सोमवार को फैसला सुनाएगी। फिलहाल तीनों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज्य में मौसम के बदले मिजाज ने पारा को लुढ़कने पर मजबूर कर दिया है। राज्य के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है। न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्षा का यह सिलसिला आगामी 15 मई तक चल सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार तेज हो सकती है, साथ ही वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तापमान में अगले 3-4 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य में सभी कोटि के स्कूल 13 मई से पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मौजूदा समय में मौसम में परिवर्तन को देखते हुए झारखंड राज्य में संचालित सभी स्कूलों में केजी से ऊपर की कक्षाएं 13 मई के प्रभाव से अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित करने का निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप आरटीई अधिनियम और प्रबंधन के प्रावधानों के तहत होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों गर्मी की सख्ती और लू के प्रकोप को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी कोटि के स्कूलों में केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखने की हिदायत दी थी। साथ ही कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक संचालित करने का दिशा निर्देश निर्गत किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुमका से भाजपा की सीता सोरेन, झामुमो के नरीन सोरेन का नामांकन, गोड्डा से भाजपा के निशिकांत दुबे और राजमहल से ताला मरांडी तथा झामुमो के विजय हंसदा ने किया नामांकन। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने खूंटी में जनसभा को किया संबोधित। दुमका और गोड्डा में राजनाथ सिंह ने किया चुनाव प्रचार। एनडी गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका का किया निष्पादन। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर पर पूर्व सीएम को हाईकोर्ट का नोटिस।
और राज्य भर में मौसम के बदले मिजाज से पारा लुढ़का। मौसम खुशनुमा होने से जनमानस को मिली राहत। 13 मई से पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी स्कूलों में कक्षाएं। आदेश जारी।